आदाब नमस्कार, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। गवर्नर तेलंगाना डॉक्टर तमिलीसाई सौंदरराजन ने हिंदुस्तानी दस्तूर में शामिल नजरियात, हुकूक और इकदार की बरकरारी के लिए खुद को दोबारा वक्फ करने अवाम पर जोर देते हुए मुस्तहकम, महफूज, खुशहाल और खुद मुक्तफी हिंदुस्तान बनाने के लिए जद्दोजहद पर जोर दिया। राजभवन में यौम दस्तूर प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने शहरियों को यौम दस्तूर की मुबारकबाद पेश की और दस्तूर हिंद के मुअम्मार डॉक्टर बीआर अंबेडकर को खिराज पेश किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि दस्तूर को हकीकत बनाने पर मैं दस्तूर हिंद के मुअम्मार डॉक्टर अंबेडकर की ताज़ीम करती हूँ और उनसे ममनूनियत का इजहार करती हूँ। यौम दस्तूर मनाते हुए हम दस्तूर साज असेंबली के अरकान की याद और उनके रोल को भी खिराज अदा करते हैं। दस्तूर मुल्क के इत्तेहाद, यकजहती और अनोखे तनों के लिए अहम ताकत है। 7 दहाइयों से जायद अरसे से कई चैलेंजेस के बावजूद हिंदुस्तानी दस्तूर मुल्क की बेहतर जमहूरी बुनियाद को यकीनी बनाने में अजीम साबित हुआ। उन्होंने 2015 में यौम दस्तूर के तौर पर 26 नवंबर को मनाने के सिलसिले में लिए गए फैसले पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और उनकी काबिना से इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा कि ये दिन इस सफ़र में एक अहम संग मील साबित होता है। Now I request Honorable Governor to read out the preamble of the Constitution, and I also request all the members of this august gathering to repeat after the Honorable reads out the preamble phrase by phrase. My heartiest wishes to you all on this auspicious occasion of the Constitution Day, the day on which our Constitution was adopted 72 years back on November 26, 1949. The day marks the genesis of Indian Constitution. This day also marks a major milestone in our country's journey and evolution as the sovereign power. I take this opportunity to express my reverence and sincere gratitude to the father of the Indian Constitution, Bharat Ratna Baba Saheb Ambedkar ji, on this historic day for his glorious contribution in making our constitution a reality. I also take this opportunity to express my gratitude and salute to all members of the Constituent Assembly for their immense contributions. Before that, they have discussed and debated thousands of amendments to previous drafts. By celebrating this Constitution Day, we are paying rich tributes to the memory and contribution of the members of the Constituent Assembly. Our Constitution is the main source for the country's strong unity, integrity in its unique diversity. For more than 7 decades, despite many challenges, Indian Constitution proved to be supreme in ensuring the country's rock-solid democratic foundation. I thank the decision of our Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi ji, and his cabinet for initiating to celebrate November 26th as Constitution Day since 2015. Here, I would like to quote. कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि नए सेक्रेटेरिएट के अहाते में 2 मस्जिद की दोबारा तामीर उनकी असल जगह पर नहीं की जा रही है। उन्होंने इस मसले पर शदीद शकूक और शुभात का इजहार किया। सेक्रेटेरिएट में मस्जिद मोतमदी और मस्जिद हाशमी पुरानी मस्जिदें थीं जिन्हें 2020 जुलाई में TRS हुकूमत ने गैर कानूनी तौर पर मुनहदम कर दिया था ताकि सेक्रेटेरिएट के लिए नई इमारत की तामीर की सहूलत फराहम की जा सके। पिछले 1.5 साल से कई वादे करने के बाद TRS हुकूमत ने मस्जिदों को उनकी असल जगह पर तामीर करने के बजाय दूसरी जगह मुंतकिल करके मुस्लिम तबके के साथ धोखा किया। शब्बीर अली ने जुमे को एक सहाफ़ती बयान में कहा कि कई मुस्लिम मजहबी कायदीन जिन्होंने जुमेरात को तकरीब में शिरकत की थी मस्जिद के मकाम पर संगीन शकूक व शुबात जाहिर किए हैं। शब्बीर अली ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से इस बात की वजाहत करने का मुतालबा किया कि वो जुलाई 2020 से पहले और अब के गूगल मैप्स को पेश करें ताकि ये वाज हो सके कि दोनों मसाजिद को
असल जगह पर दोबारा तामीर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद की पूरी जंग उसके असल मकाम के लिए ही थी, जहां ये 1528 में तामीर की गई थी और दिसंबर 1993 में उसके इन्हदाम तक मौजूद थी। मस्जिद को किसी भी वजह से मुंतकिल नहीं किया जा सकता। ताहम केसीआर हुकूमत ने सबसे पहले मस्जिद गिराने का गुनाह किया और अब सेक्रेटेरिएट में दो मस्जिद की जगह बदलने का गुनाह कर रही हैं। कांग्रेस लीडर ने कहा कि जिस राजदारी के साथ मुनदम मस्जिद की तामीर नौ के लिए संगे बुनियाद रखने का प्रोग्राम मुनाकिद किया गया, उससे कई तरह के शुबात को तकबीयत मिलती है। उन्होंने कहा कि प्रोग्राम से चंद घंटे कबल मजहबी और सियासी दोनों ही जमरों के चंद मुंतखब रहनुमाओं को तकरीब में मदऊ किया गया। मजीद यह कि उन मसाजिद की तामीर नौ के लिए तहरीक चलाने वाले तमाम मजहबी और समाजी रहनुमाओं को प्रोग्राम के अख्तिताम तक नज़रबंद रखा गया। जल्दबाजी और राजदारी से साफ जाहिर होता है कि TRS हुकूमत एक बार फिर किसी गलत खेल में मुलविस है। अगर वजीर दाखिला महमूद अली को यकीन है कि मसाजिद को मुंतकिल नहीं किया गया तो उन्हें नमाज पढ़ने के लिए किसी को भी उस मुकाम पर जाने की इजाज़त देने में कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। आंध्र प्रदेश की हुक्मरान जमात वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के रुकन खानूसाज काउंसिल ज़किया खानम आंध्र प्रदेश खानूसाज काउंसिल की नायब सदरनशीन बाइत्तेफाक आरा मुंतखब हुई। उन्होंने अपने ओहदे का आज जायजा हासिल कर लिया। चीफ मिनिस्टर वाई जगनमोहन रेड्डी ने खुद उनको कुर्सी सदारत तक पहुंचाया। इस मौके पर ज़किया खानम ने चीफ मिनिस्टर से इजहार तशक्कुर किया और कहा कि इस काबिल एहतराम ओहदे के लिए मुस्तहक समझने और बेहतर मकासद के साथ उन्हें ये ओहदा देने पर वो चीफ मिनिस्टर जगनमोहन रेड्डी की मखरूज हो गई हैं। उन्होंने ख्वातीन की बहबूद के लिए स्कीमात पर अमलावरी और मुल्क के लिए मिसाल बनने पर चीफ मिनिस्टर जगन की सताइश की। उन्होंने कहा कि एक आम घरेलू खातून को ये अहम ओहदा दिया गया। उन्होंने तहखुन दिया कि इसके ज़रिए वो अकलियतों को समाजी माशी और सियासी तौर पर ऊँचा उठाने के लिए काम करेंगी। चीफ मिनिस्टर जगन जिन्होंने वाईएसआर कड़पा ज़िले के रायचोटी के अकलती तबके को MLC का ओहदा देने का वादा किया था, अपने वादे को पूरा किया। ज़किया खानम का ताल्लुक रायचोटी से है और उनको जगन ने MLC बनाया था। अब उनको नायब सदरनशीन खानूसाज काउंसिल मुकर्रर किया गया। तेलंगाना खानूसाज काउंसिल की 12 मखलूआत सीटों पर होने वाले इंतखाबात के लिए आज सपहर 3 बजे पर्चे नामजदगियों से दस्तबरदारी के बाद हुक्मरान जमात TRS के 6 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब करार दिए गए, जिनमें निज़ामबाद से के कविता, ज़िले रंगारेड्डी से पी महेंद्र रेड्डी और एस राजू, वरंगल से पी श्रीवास रेड्डी, महबूबनगर से के नारायण रेड्डी और के दामोदर रेड्डी शामिल हैं। पर्चे नामजदगियों से दस्तबरदारी के मौके पर आदिलाबाद में ड्रामाई मनाजिर देखे गए, जहाँ एक TRS के ZPTC रायेश्वर रेड्डी, जो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से अपना पर्चा दाखिल किया था, उसने इल्ज़ाम लगाया कि उनकी तरफ से बाज़ नामालूम अफराद ने पर्चे नामजदगी से दस्तबरदारी का मकतूब रिटर्निंग ऑफिसर को पेश कर दिया, जबकि उन्होंने इस तरह का कोई मकतूब किसी को भी नहीं दिया। रिटर्निंग ऑफिसर ने नामालूम अफराद की जानिब से पेश करदा मकतूब की बुनियाद पर उन्हें मुकाबले से दस्तबरदार करार दे दिया। इसी तरह एक और खातून उम्मीदवार पुष्पा रानी ने भी शिकायत की कि उनकी तरफ से भी नामालूम अफराद ने दस्तबरदारी का मकतूब रिटर्निंग ऑफिसर को हवाले कर दिया, ताहम रिटर्निंग ऑफिसर ने उस मकतूब को मुस्तरद कर दिया। इस मौके पर BJP के कई कारकुन ज़िला कलेक्ट्रेट में जमा हुए, जिस पर कुछ देर के लिए कशीदगी देखी गई। BJP की ताई से पुष्पा आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से मुकाबला कर रही हैं। रिटर्निंग ऑफिसर ने दस्तबरदारी का वक्त खत्म होने के बाद ऐलान किया कि मुकाबले में दो उम्मीदवार बच गए हैं, जिनमें TRS की तरफ से DV और आज़ाद उम्मीदवार पुष्पा रानी शामिल हैं। बाकी 6 सीटों पर जहाँ 10 दिसंबर को पोलिंग होने वाली है, उनमें खम्मम, मेदक और नलगुंडा में 1-1 और करीमनगर में 2 सीटें शामिल हैं। उन हलकों में TRS के उम्मीदवारों को आज़ाद उम्मीदवारों से मुकाबला है। आदिलाबाद की सीट पर सिर्फ 2 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें TRS से DV और पुष्पा रानी आज़ाद उम्मीदवार, खम्मम से TRS उम्मीदवार T Madhu के अलावा कांग्रेस से R नागेश्वर राव और दीगर 2 आज़ाद उम्मीदवार मैदान में हैं। मेदक से डॉक्टर यादव रेड्डी का मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार निर्मला से है। यहाँ मल्ला रेड्डी एक और आज़ाद उम्मीदवार भी मैदान में है। करीमनगर में सबसे ज़्यादा 14 उम्मीदवार मैदान में हैं, जहां 2 हलकों में इंतखाबात हो रहे हैं। यहां TRS से अलरमना और भानु प्रताप उम्मीदवार हैं, जबकि BJP की ताई से साबिक मेयर करीमनगर सरदार रविंदर सिंह मुकाबले में हैं। इसके अलावा 11 आज़ाद उम्मीदवार भी किस्मत आजमाई कर रहे हैं। नलगुंडा से MC कोटी रेड्डी और दीगर 4 आज़ाद उम्मीदवार मुकाबले में हैं। 10 दिसंबर को पोलिंग के बाद 14 दिसंबर को वोटों की गिनती की जाएगी। मस्कुरा 5 अजला के 6 सीटों पर पोलिंग के तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं।
वजीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी को ताकत ना होने के बावजूद वो काउंसिल के इंतखाबात में मुकाबला कर रही है। उन्होंने कहा कि मेदक काउंसिल हलके में मजाली से मकामी इदारेजात के 172 वोट्स हैं, जिनमें टीआरएस पार्टी को 777 वोटों की ताईद हासिल है। यहाँ बगैर किसी ताईद के कांग्रेस मुकाबले में है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी दीगर जमातों के वोटों को हासिल करते हुए कामयाबी हासिल करने का ख्वाब देख रही है। उनका ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। इस मौके पर हरीश राव ने रियासत के बीजेपी कायदीन को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि बीजेपी के कायदीन नरेंद्र मोदी हुकूमत से मजाली से मकामी इदारों के लिए फंड्स हासिल करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाते, उन्हें सिर्फ इख्तदार चाहिए। हरीश राव ने कहा कि मरकजी हुकूमत मजाली से मकामी इदारों को नज़रअंदाज कर रही है। ग्राम पंचायतों, मंडल परिषद, ज़िला परिषद और बल्दियात के लिए मरकज की जानिब से कोई फंड्स जारी नहीं हो रहे हैं। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कारगुजार सदर व रुकन असेंबली टी जगारेड्डी ने दावा किया कि कांग्रेस दौरे हुकूमत में मुत्तहिदा ज़िले मेदक पर 15,000 करोड़ रुपए से ज़ायद तरक्याती काम अंजाम दिए गए हैं। मौजूदा वज़ीर फाइनेंस व सेहत टी हरीश राव ने भी बहसते रुकन असेंबली अपने हलके के लिए कांग्रेस के दौरे हुकूमत में 1,000 करोड़ रुपये के तरक्याती काम अंजाम दिए, मगर आज टीआरएस हुकूमत में इदारेजात मकामी के लिए फंड्स का फुकदान है। आज मीडिया से बात करते हुए जगारेड्डी ने कहा कि पंचायत राज निज़ाम को हुकूमत ख़त्म करने के दर पे नज़र आती है। जगारेड्डी ने वादा किया कि मुस्तकबिल में कांग्रेस बरसरे इख्तदार आती है तो वो अपने ज़िले के लिए 20,000 करोड़ रुपए के फंड्स हासिल करते हुए ज़िले संगारेड्डी को मुनफरी ज़िले में तब्दील करेंगे। कपल तो हमारे कांग्रेस के हुकूमत में, मैं बोल रहा ना, हमारे कॉन्शियस में कम से कम 15 से 20 हज़ार करोड़ लाए हम तो IIT से मिला के। हर एक डिस्ट्रिक्ट में 1,000 करोड़। देखो JNTU लाए दामोदर साहब वहां किधर आंदोल में, कम से कम 1,000 करोड़ तो भी लगाए, बाकी का फंड से 500 करोड़ तो भी लगाए ना हम। ऐसा हर एक डिस्ट्रिक्ट में लगा दे। जब हरीश राव भी जब MLA थे कांग्रेस हुकूमत में, हर एक मंत्री कहने बैठ के उन्हें भी कम से कम 1,000 करोड़ रुपए लेके गए। कब जब राजशेखर रेड्डी साहब से जमाना से लेके रोशैया साहब और किरण कुमार रेड्डी साहब तक 2-3 CM थे, जब हरीश राव भी कम से कम 1,000 करोड़ रुपए हमारे गवर्नमेंट में लेके गए। हम बोलने का हक है, हम बोले तो बात निभाने का हमको निभाने का आदत है कांग्रेस पार्टी को, वो हम करे। हम आज इतना बात हम बात कर रहे ना, हम करे वो जमाने में 10 साल कांग्रेस हुकूमत में 1,000 करोड़ों में हम मेदक डिस्ट्रिक्ट में काम करें, हम इसलिए हम पूछ रहे। मैं क्या बोल रहा हूं, आइंदे भी हमारे गवर्नमेंट आता है वही भी, अगर आज तुम नहीं दे सके मेरा डिमांड 20,000 करोड़, अगर हमारे हुकूमत में, मैं चैलेंज कर रहा हूं, मैं 20,000 करोड़ लाने का दम मेरे कहे है हमारे गवर्नमेंट का। रोटी भी नहीं है ना, कल के बिरयानी को तो रहता ना, मैं भी मानता हूं आपका बात को, मैं रोटी खिलाने वाला कौन है, वो रोटी भी नहीं है ना। अभी बोलो बोलो, कौन सा MPTC, कौन सा काउंसलर को, कौन सा मंडल परिषद चेयरमैन को, वो लीडरों को पीने का पानी ही नहीं है, रोटी कहां से देते हैं। खानुसास काउंसिल के रुकन व सीनियर कांग्रेस लीडर टी जीवन रेड्डी ने कहा कि अगर रियासती हुकूमत किसानों से धान खरीदती है तो हुकूमत पर सिर्फ 5,000 करोड़ रुपए का जायद बोझ आयद होगा, बाद अजां मरकज से वो रकम रीएम्बर्स हो जाएगी। आज मीडिया से बात करते हुए जीवन रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को चैलेंज करने के फौरी बाद वो दिल्ली रवाना हुए, तहाँ वज़ीर आज़म को शख्सी तौर पर चैलेंज कर सके, मगर वज़ीर आज़म के दफ्तर के सामने अपना सर झुका कर वापस आ गए। हुकूमत किसानों की जिंदगी से खेल रहे साहब। अब खरीफ के बारे में फसल हाथ को आ गई, तकरीबन 1 महीना हो गया ऐसा, 1 महीने से किसान धान कुप्पल में निजर जिसने पंटने, अब तक रियासत हुकूमत को कुछ पॉलिसी नहीं है साहब, जहां की वहां वरिदान पड़े हुआ है साहब, कोई जिले में कोई जिला कलेक्टर काम नहीं कर रहे, पूरा राइस मिलर जो है डिक्टेट कर रहे, डोमिनेट कर रहे,
इधर आप जो है खरीफ क्रॉप प्रोक्यूरमेंट में लापरवाही, उधर रबी सेकंड क्रॉप के बारे में भी अब तक गवर्नमेंट के पास से ऐसा कोई उसूल नहीं। अब सेकंड क्रॉप शो करने का सीजन हो गया, ऐसा शुरू हो गया, अब तक कोई नहीं है। जाके दिल्ली में सो गए ऐसा चार दिन, चाहे बोले तो मैं सीएम साहब पीएम साहब से मिलना चाहता हूं, चाहे वो साहब तो और पीएम साहब से मिलना, ये तो अपॉइंटमेंट पूछने को इनको हिम्मत नहीं है साहब। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से अपॉइंटमेंट पूछने को हिम्मत नहीं है, ये कोई नहीं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस वाले क्लैरिटी दिए हमको अपॉइंटमेंट ही नहीं पूछे बोल के। अगर सही भी आपको अपॉइंटमेंट नहीं बोले नहीं मिले तो वो जंतर मंतर में धरना करना था, हम भी साथ देते थे। क्या मुंडी मोड़ लेके आ गए साहब, मुंडी मोड़ लेके आ गए, इन्हें यहां से जाना मोदी साहब की मुंडी झुका दो बोल के गए। जाके क्या हुआ, मोदी साहब की मुंडी झुकाना बाजू रखो, इनका मुंडी झुका लेके आ गए साहब। बोल रहा भाई ये रबी के बारे में पॉलिसी नहीं है, खरीफ के बारे में धान खरीदना नहीं है, अब किसानों को रोड के ऊपर बिठा दिए साहब। ये कोई ज्यादा दिन चलने के नहीं, अब तो आप आंख खोलो या किसानों की मुश्किल के बारे में सोचो। अगर धान खरीदे तो भी रबी फसल तुम्हारी धान फिर उबाए तो भी तुम्हारे हुकूमत के ऊपर बोझ बढ़ने का सिर्फ 5,000 करोड़ से ज्यादा नहीं है बल्कि बोलना चाहता हूं भाई, मैं अभी हिसाब दिया हूं साहब। क्या तुम्हारी हुकूमत के पास किसानों के वास्ते 5,000 करोड़ नहीं है क्या, पूछना चाहता हूं मैं। तुम किसानों के बारे में सोचो या नहीं तो तुम्हारा हुकूमत ज्यादा दिन चलने का नहीं है बल्कि बोलना चाहता हूं। कांग्रेस कायद व साबिक रुकने पार्लियामेंट बलिया नायक ने कहा कि बीजेपी दस्तूर हिंद की शुरुआत से ही मुखालिफत करती आ रही है और बीजेपी की सरपरस्त तंजीम जनसंघ ने दस्तूर हिंद के बजाय मनुस्मृति के कानून को नाफिज करने का मुतालबा किया था। बलिया नायक ने आज INN चैनल से बात करते हुए कहा कि मरकज की बीजेपी हुकूमत दलित गिरिजन और मुसलमानों के हकूक की हक तलफी करते हुए दस्तूर की धज्जियाँ उड़ा रही है। आज भारत संविधान दिवस है, भारत देश को जब आज़ादी मिली थी देश को एक बनाने के लिए देश को आगे बढ़ाने के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर के नेतृत्व में कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्टिंग कमिटी ने आज संविधान को हमारे देश में लागू करने के लिए इम्प्लीमेंट करने के लिए जो संविधान अडॉप्ट किए थे अडॉप्ट डे है हमारे आज, इसीलिए आज संविधान दिवस है। मैं संविधान दिवस का मुबारकबाद पूरे देश को देना चाह रहा हूँ, मगर 17 साल के बाद 72 ईयर संविधान के बाद इस देश में आज संविधान लागू नहीं हो रहा है क्योंकि सेंट्रल में मोदी सरकार, यहाँ पे हमारे KCR के सरकार संविधान के अधिकार के खिलाफ सबसे, उसमें अहमद बात यह है कि दलित आदिवासी माइनॉरिटीज़ के खिलाफ को संविधान को ये कम्युनिटीज़ को जो अधिकार दिया है उसके खिलाफ इस देश में राजनीति चल रही है। और बीजेपी तो कैसा भी संविधान को पहले से नहीं मानती थी, RSS बीजेपी तो संविधान के खिलाफ थी, जब इस देश में संविधान बन रहा था RSS बीजेपी ने बोली थी भारत के लिए कोई नया संविधान की जरूरत नहीं है, जो मनुधर्म है वही संविधान बन सकता है बोल के उस दिन के RSS के नेता बीजेपी के संघ परिवार के नेता बोले थे। आज संविधान के बेसिस पे बीजेपी में सरकार में आ गई तो भी वो इम्प्लीमेंटेशन लागू करने में पूरा आज मनुधर्म ही लागू कर रहा है, वो दलित को कैसा कुचला जाए, माइनॉरिटीज को कैसा कुचला जाए, आदिवासीज को कैसा कुचला जाए, कैसा संविधान को नकारात्मक करके उनका विचारधारा को लागू करवा जाए, यही काम चल रहा है इस देश में। इसीलिए कांग्रेस पार्टी संविधान बचाओ आंदोलन इस देश में ऑलरेडी शुरू कर चुकी है, पूरे देश में संविधान को रक्षा करने के लिए संविधान के अधिकार जो खोम को मिला है उसको 100% लागू करवाने के लिए आंदोलन करने के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार है। मैं पूरे देश की जनता से आवाम से यही गुंजाइश कर रहा हूँ कि आप हमारे साथ दो, हम संविधान को आगे बढ़ाएंगे। और दूसरी बात है तेलंगाना में संविधान की रक्षा करने के लिए संविधान के अधिकार जो हर होम को मिला है उसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए कल यहाँ पे जो फार्मर्स प्रोडक्शन आ रहा है, पैडी प्रोडक्शन आ रहा है उसको 100% खरीद करवाने के लिए तेलंगाना सरकार के KCR के खिलाफ ये डिमांड रखते हुए हमारे वजीर आबकारी श्रीनिवास गौड़ से तेलंगाना BC कमीशन के सदर नशीन वी कृष्णा मोहन ने मुलाकात करते हुए मुख्तलिफ मसाइल पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर सदर नशीन कृष्णा मोहन ने वज़ीर मौसूफ को बताया कि सरकारी मुलाजिमतों पर तकरारात के दौरान खुशहाल तबके के अफराद के
तकर्रात पर मरकज़ की जानिब से गाइडलाइंस जारी ना किए जाने की वजह से अहल ओबीसी उम्मीदवारों को तालीम और मुलाजमतों में नाइंसाफ़ी हो रही है। उन्होंने कहा कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने मुलाजमतों पर तकर्रात के सिलसिले में जो तरीक़ेकार अख्तियार किया है वो अजीब नौयत का है, जिस पर वज़ीर श्रीनिवास गौड़ ने बीसी कमीशन के सदर नशीन को मशवरा दिया कि वो इस खसूस में कमीशन की जामे रिपोर्ट तैयार करते हुए मरकज़ पर दबाव डालने की कोशिश करें। उन्होंने कहा कि मरकज़ के खुशहाल तबके के तरीक़ेकार से ओबीसी तबके को तहफ़ुज़ात के मामले में शदीद नाइंसाफ़ी का सामना है, इससे उन तबकात को मुकम्मल तौर पर तहफ़ुज़ात नहीं मिल पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हज़ारों ओबीसी उम्मीदवारों को यूपीएससी की जानिब से अमल होने वाले खुशहाल तबके के तरीक़ेकार से काफ़ी नुकसान हो रहा है। तेलंगाना बीजेपी उमर के इंचार्ज तरुण चुग ने कहा कि टीआरएस और कांग्रेस के 25 कायदीन उनसे रब्त में हैं। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को दिल्ली में बड़ा शौक लगा है, जिन्होंने हालिया दिनों में दिल्ली का दौरा किया था। मीडिया से बात करते हुए तरुण चुग ने कहा कि फिलवक्त तेलंगाना रियासत में असम्बली के इंतखाबात करवाए जाते हैं, तो ऐसी सूरत में हुक्मरान जमात टीआरएस को 60 उम्मीदवार भी दस्तियाब नहीं होंगे। उन्होंने दावा किया कि तेलंगाना के टीआरएस और कांग्रेस के 25 कायदीन बीजेपी से रब्त में हैं और वो किसी भी वक्त पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने तैयार हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में जब कभी भी इंतखाबात होंगे बीजेपी को 80 सीटों पर कामयाबी मिलेगी। तरुण चुग ने कहा कि आने वाले इंतखाबात में अपनी ताकत बीजेपी दिखाएगी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी माजी की दास्तान बन गई है। उन्होंने कहा कि मरकज़ के 3 ज़रिए क़वानीन को मंसूख करने वज़ीर आज़म की जानिब से किए गए ऐलान के बाद किसानों का एक तबका काफ़ी नाराज़ है। उनका ख्याल है कि उन क़वानीन की अमलावरी से किसानों की फलाह बहबूद हो सकती थी। बीजेपी के रुकन असेंबली इटला राजेंद्र ने कहा कि करीमनगर में 10 दिसंबर को होने वाले इदारेजात मकामी कोटे की काउंसिल की 2 सीटों में से 1 सीट पर टीआरएस को शिकस्त होने वाली है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि करीमनगर में साबिक मेयर सरदार रविंदर सिंह की काउंसिल के इंतखाबात में कामयाबी यकीनी है, उन्हें बीजेपी की भरपूर तायद हासिल है। इसके अलावा टीआरएस के कई नाराज़ अवामी मुंतखबा नुमाइंदे भी सरदार रविंदर सिंह को वोट देंगे। उन्होंने कहा कि करीमनगर ज़िले के कई टीआरएस कायदीन बशमुल मकामी मुंतखबा नुमाइंदे बीजेपी में शामिल होने तैयार हैं। काउंसिल के इंतखाबात के बाद ये तमाम बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द करीमनगर से टीआरएस खाली होने वाली है। राजेंद्र ने कहा कि वो काउंसिल के इंतखाबात में कई हलकों से टीआरएस को शिकस्त देने के लिए बीजेपी के उम्मीदवारों को मुकाबले में खड़ा किया। उन्होंने चीफ मिनिस्टर केसीआर को बुझने वाली शमा करार दिया और कहा कि चीफ मिनिस्टर के कॉल ऑफ फेल में तजाद पाया जाता है, इसीलिए उन पर कोई भरोसा नहीं कर रहा है। वजीर सेहत हरीश राव से कामयाब बातचीत के बाद हैदराबाद और अजला भर के टीचिंग हॉस्पिटल्स के जूनियर डॉक्टर्स ने तिब्बी खिदमात के बायकॉट के फैसले को वापस ले लिया है। तेलंगाना जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन के अरकान ने पीजी मेडिकल और डिप्लोमा सीटों में इन सर्विस सरकारी डॉक्टर्स के लिए तहफ़ुज़ात के खिलाफ मेडिकल ड्यूटीज़ के बायकॉट का फैसला किया था। एसोसिएशन के अरकान ने कहा कि वज़ीर सेहत से मुलाकात के बाद हमने ड्यूटीज़ के बायकॉट के फैसला वापस ले लिया, जिन्होंने तयकुन दिया कि इन सर्विस सरकारी डॉक्टर्स के लिए कोटे के फ़ीसद में मज़ीद इजाफा नहीं किया जाएगा और डॉक्टर्स का मामूल का तकर्रुर किया जाएगा। इन सर्विस कैंडिडेट्स और MBBS की तकमील करने वाले दोनों के लिए तवाज़ुन की बुनियाद पर यह फैसला लिया गया है। एसोसिएशन ने एहतजाज को ख़त्म करने का फैसला किया और वज़ीर सेहत से मिले तयकुन के बाद खिदमात पर रुजू हो गए। तेलंगाना सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन के चेयरमैन मार रेड्डी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद नई रियासत में गुज़िश्ता 7 साल के दौरान 5,06,00,000 मीट्रिक टन धान की खरीदारी की गई है, जो 88,000 करोड़ मालियत की है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क भर में इतनी बड़ी मकदार में धान की खरीदारी करने वाली तेलंगाना पहली और वाहिद रियासत है। ये सहरा चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के सर जाता है। उन्होंने कहा कि धान की खरीदी रियासतों के लिए बड़ा माली बोझ तसव्वुर किया जाता है, इसीलिए मुल्क की कोई भी रियासत इस बोझ को बर्दाश्त नहीं करती, लेकिन तेलंगाना रियासत उसे बर्दाश्त कर रही है। उन्होंने कहा कि जारिया साल मौसम बरसात में पैदा होने वाली धान की खरीदी के लिए अब तक 5,703 खरीदी के मराकज़ कायम किए गए, जिसके ज़रिए अब तक 19,00,000 मेट्रिक टन धान खरीदी गई। इसमें सबसे ज़्यादा निज़ामबाद ज़िले से 5,20,000 मेट्रिक टन धान की खरीदारी की गई है। कामारेड्डी से 2,86,000, करीमनगर से 2,10,000 मेट्रिक टन धान की खरीदारी की गई है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने साउथ सेंट्रल रेलवे और तेलंगाना हुकूमत को नोटिस जारी की है। ये नोटिस हैदराबाद में दूसरे मरहले के प्रोजेक्ट के
सेक्शंस के तकरीबन 62 किलोमीटर पर मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी MMTS चलाने की ख्वाहिश करते हुए दाखिल करदा मफाद अम्मा की दरख्वास्त पर जारी की गई। चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस के लक्ष्मण ने CPIM हैदराबाद सिटी सेक्रेटरी श्रीनिवास रेड्डी की जानिब से दाखिल करदा इस मफाद अम्मा की दरख्वास्त की समाअत की। उसके बाद जुमे को ये नोटिस जारी किया। दरख्वास्त गुजार ने अपनी दरख्वास्त में कहा कि तकरीबन एक साल पहले पटरियों के काम की तकमील के बावजूद ट्रेनें नहीं चलाई जा रही हैं। दरख्वास्त गुजार ने दलील दी कि ट्रेनों को ना चलाने के सबब हैदराबाद और अताफ के इलाकों के गरीब और मुतवसत तबके से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 10,000 इमकानी सारिफिन को इन खिदमात से महरूम रखा जा रहा है जो काबिल दस्तरस MMTS ट्रेन खिदमात के मुतहम्मिल हैं। उन्होंने कहा कि एक ऐसे वक्त जब ईंधन की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है, ऐसे में उन मुसाफरीन को MMTS खिदमात से महरूम रखा जा रहा है। दरख्वास्त गुजार की तरफ से अदालत में बहस करते हुए NS अर्जुन कुमार एडवोकेट ने बेंच के इल्म में इस बात को लाया कि MMTS शहरियान हैदराबाद को माहौल दोस्त और काबिल दस्तरस अवामी निज़ाम ट्रांसपोर्ट फराहम करता है। इससे दोनों जुड़वा शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के अलावा नए बनाए गए सैबराबाद इलाकों को मरबूत किया गया है। दरख्वास्त गुजार ने अदालत से कहा कि तेलंगाना हुकूमत और साउथ सेंट्रल रेलवे के दरमियान इस प्रोजेक्ट के मरहले दुवम के मसारिफ की तकसीम के सिलसिले में तनाज़ा ट्रेनें शुरू ना करने की अहम वजह है। तेलंगाना हुकूमत को चाहिए कि मसारिफ की तकसीम के माहदे के तहत 606 करोड़ रुपये इस प्रोजेक्ट के लिए अदा करें, ताकि ताहम उसने अब तक सिर्फ 129 करोड़ रुपये जारी किए हैं, जबकि रेलवे से 678 करोड़ रुपए सर्व किए जो मसारिफ की तकसीम के माहदे से कहीं ज़्यादा रकम है। हैदराबाद की एक अदालत ने बॉलीवुड अदाकारा कंगना रनावत के खिलाफ मुतनाज़िया रिमार्क्स करने पर मुकदमा दर्ज करने की हिदायत दी है। वकील करम कुमी रेड्डी ने नामपली की अदालत में एक निजी दरख्वास्त दाखिल करते हुए कहा कि गुज़िश्ता माह हिंदुस्तान की आज़ादी पर कंगना रनावत के रिमार्क्स ने न सिर्फ उन्हें बल्कि मुल्क के आवाम के जज्बात को ठेस पहुँचाई है। क्रम की शिकायत पर समाप्त के बाद अदालत ने सैफाबाद पुलिस को IPC की सेक्शन 504 और 505 के तहत मुकदमा दर्ज करके इस मामले की तहकीकात करने और रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी। तेलंगाना हुकूमत ने रिटायर्ड मुलाजमीन के लिए PRC के बकाया जात की रकम जनवरी 2022 से अदा करने का ऐलान किया। इस सिलसिले में हुकूमत ने Jio 14.06 जारी किया, जिसके मुताबिक PRC के तहत रिटायर्ड मुलाजमीन के वजीफे में हुए इजाफी रकम के बकाया जात को 36 अकसात में अदा किया जाएगा। कबल अज़ीन चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने रिटायर्ड मुलाजमीन के बकाया जात को 36 अकसात में अदा करने का वादा किया था। इस वादे को जनवरी से पूरा किया जाएगा। अब नज़र डालते हैं कोरोना से जुड़े आंकड़ों पर। पिछले 24 घंटों में तेलंगाना भर में 38,731 अफराद का कोरोना का टेस्ट किया गया, जिसमें 171 मुस्बित पाए गए। इसके अलावा एक और फर्द की इस मोजी वायरस की वजह से मौत हो गई, जिसके बाद रियासत में कोरोना से मरने वालों का मजमूई आंकड़ा 3,957 तक पहुंच गया। रियासत में अब भी 3,534 अफराद का इलाज जारी है। गैर औरत के साथ नाजायज ताल्लुकात कायम करने वाले एक सब इंस्पेक्टर पुलिस को खातून के शोहर और उसके साथियों ने मिलकर जमकर पिटाई कर दी, और सब इंस्पेक्टर की इस हरकत पर पुलिस के आला अहदेदारों ने उसे मुलाजिमत से मुअत्तल कर दिया। ये वाकया तेलंगाना के वनपर्ती ज़िले के कुत्ताकोट में पेश आया। रिपोर्ट्स के मुताबिक वनपर्ती रूरल पुलिस स्टेशन से वाबस्ता सब इंस्पेक्टर शेख शफी के कुत्ताकोटा से ताल्लुक रखने वाली एक खातून के साथ नाजायज ताल्लुकात कायम हो गए थे। जब खातून के शोहर को इस बात का पता चला तो वो दोनों को रंगे हाथों पकड़ने के लिए मौके का इंतज़ार करने लगा। 18 नवंबर को शेख शफी खातून से मिलने के लिए उसके घर पहुंचा। उसकी इत्तला मिलते ही खातून का शोहर अपने दोस्तों के साथ मिलकर सब इंस्पेक्टर की जमकर पिटाई की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।